हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मिस्टर सेफ मैकेनिकल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के संबंध में काफ़ी वीडियो, तो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो हम बनाते रहें। दोस्तों, आज वाली जो वीडियो हम बना रहे हैं वो एक HP की मोटर है, 1 HP की मोटर है जिसे हम रिवाइंड करेंगे। पहले मैंने इसकी दो वीडियो बनाई थी जिसमें एक में पेपर लगाने का तरीका और एक जो पुराने कॉयल है उसे निकालने का तरीका था। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं, आज इसमें हम कॉयल बनाकर इसमें लगाएंगे। दोस्तों, बहुत से दोस्त भाई हैं जो ये काम का करते हैं वेल्डिंग का, तो वो तो चलो अलग बात है, पुराने मैकेनिक हैं। जो नए मैकेनिक हैं, ये वीडियो खास उनके लिए है जो ये काम करना चाहते हैं, तो या जिन्हें इसके बारे में कम नॉलेज है, तो आज हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी मोटर रिवाइंडिंग करने से पहले उसकी हमें पैच जो है देख लेनी है कि कितनी कितनी है। जैसे ये देख रहे हो आप पैच, ये मेन की है, मेन है या इसे रनिंग भी कह देते हैं। ये रनिंग वाइंडिंग है जो पहले डाली जाएगी और इसकी गेज स्टार्टिंग से मोटी होगी। और इसकी पैच मैं बता देता हूँ, इसे पैच बोलते हैं। जैसे ये 1 से 3 पैच है, 1, 2, 3, ये देख सकते हो आप कॉइल, 1, 3, 1 से 3, 1 से 5, 1 से 7, 1 से 9। तो आपने जब मोटर के पुराने कॉइल निकाले हों उस वक्त आपने एक कॉपी पर लिख लेना है कि 1 से 3 पैच है और उसकी जो टर्न है वो 16, 1 से 5 25, 1 से 7 35 और 1 से 9 44 टर्न है। तो उस हिसाब से ही आपने बाद में कॉइल बनाने हैं। और जो जिस स्टार्टिंग की है 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8, 10, और जो जिस की टर्न है, ठीक है जी। तो पहले हम इसकी मेन वाइंडिंग डालेंगे। मैंने एक कॉइल इसमें लगा दिया है, तो दूसरा कॉइल मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, उसके बाद हम वो कॉइल लगाएंगे। ये हमारा इसका जो साइज है, इस पर हम कॉइल डालेंगे। सबसे पहले है 1 से 9, वो है 44 टर्न, वो जहाँ पर लगेंगे। और 1 से 9, 1 से 7, 1 से 5, 1 से 3, इस हिसाब से हम कॉइल बनाएंगे। ये जो कॉटन टेप रहेगी इसको हमने यहाँ से बीच से दो बना लेना है। और उसके जो हमने कॉइल यहाँ पर बनाया था उसे बांध देना है ऐसे करके। अब हम 1 से 7 वाला बनाएंगे। तो इस तरह हमारा एक सेट तैयार हो गया। अब हम इसके ऐसे 4 सेट तैयार करने हैं जो कि मेन वाइंडिंग के हैं, रनिंग वाइंडिंग के। हमने इसके जो 4 सेट हैं वो बना लिए हैं, तो अब हम इसमें कॉइल लगाएंगे। और दोस्तों,
एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ये जो इसके कनेक्शन है ये इस साइड रखते हैं जिसमें ये जो सुराख बने हुए हैं, जगह बनी हुई है, ताकि बाद में आपको कोई तकलीफ ना हो। ये देख सकते हो एक तरफ आपके कुछ भी नहीं है, दूसरी साइड आप यहाँ से कनेक्शन जो कर मेन लीड बाहर निकाल सकते हो। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 से 3, 1 से 5, 1 से 7 और 1 से 9 इस तरह से कॉइल लगाएंगे। तो जो हमने ये कॉटन टेप लगाई थी इसे हम साइड में कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद दोस्तों जो पहले 1 से 3 वाला है वो हम उठाएंगे और इसको नौ सात एक एक टर्न करके एक एक टर्न से हम इसमें लगाएंगे और थोड़ा सा आपने इसे ऐसे कर लेना है कॉइल को, ताकि आपको कॉइल लगाने में आसानी रहे। आपने एक एक टर्न लेकर इसे आहिस्ता आहिस्ता से इसमें लगाना है, ताकि जो जो आपका लोहे से साथ खिसकर आपका जो तार का पॉलिश है वो ख़राब ना हो। अगर दोस्तों ये बीच में आपकी जो वायर है ना जाए तो इसके लिए आपको करना होगा, एक छोटा सा वाइट पेपर का टुकड़ा लें और उसको ऐसे ऐसे लें और इसे इसमें बीच में लगा ऐसे ऐसे कर लें। आपका जो कॉइल है वो आसानी से बीच में चला गया। अब उसके बाद एक जो सीट रहती है इसके दो पीस बना लो जो कि कॉइल के ऊपर लगेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो स्टार्टिंग की कॉइल है वो आएगी। ये जो स्टार्टिंग की कॉइल है वो इसके ऊपर अभी आना बाकी है। तो ये एक तो पेपर आपका सेपरेटर का काम करेगा और दूसरा जो कॉइल है उसको ऐसे नीचे दबा कर रखें, थोड़ा सा आपने इसे दबा देना है। जब दूसरा कॉइल लगाना है इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये शुरू हमने यहाँ से किया था, ये शुरू वाली तार है। तो अब ये कॉइल है शुरू इधर एंड इधर, तो अब जब हम दूसरा कॉइल लगाएंगे तो ये देखें ऐसे हमने ये कॉइल की जो वायर है इधर आ रही है शुरू वाले पास से, तो इसे हम घुमाकर इस तरह से लगाना है। आपने इसे ऐसे घुमाकर लगाना है और जो कॉटन टेप है दोस्तों वो अगर खोल दो तो आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी कॉइल लगाने में। ये कॉइल लगाते वक्त बस इसी बात का ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपका कॉइल उल्ट ना लग जाए, नहीं तो मैग्नेट इसमें गलत हो जाएगा और आपका जो मोटर है आपकी जो मोटर है वो चलेगी नहीं। और एक एक कर आपने ये मोटर के स्लॉट थोड़े तंग हैं इसलिए थोड़ी टाइट है ये मोटर लगाने में, तो थोड़ी मुश्किल आ रही है। इसी तरह से जो तीसरा कॉइल है उसको हमने इसके जो मेन वाइंडिंग है वो पूरी कर ली है और अब इसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो लगाएंगे
जो कि पिच है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 दो 10 पिच वाले कोयल हैं जो अपोजिट लगे हैं और दो 1 से 8 वाले हैं जो इधर अपोजिट लगे हैं। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग के लिए हम कोयल बनाते हैं। हमारी स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये स्टार्टिंग के कोयल है और ये मेन रनिंग के। तो अब उसके बाद ये कनेक्शन हो गए इधर, तो जो ये साइड बची है इसमें हम इस तरह की सीट लगाएंगे जो कि एक सेपरेटर का काम करेगी। इसे आपने काट कर ऐसे लगा देना है और ऊपर से हम इसे कॉटन टेप कर देंगे। जो इसकी स्टार्टिंग और मेन है वो अलग अलग रह सके, इसलिए ये पेपर लगाया जाता है। पेपर की जगह आप डॉक्टर टेप भी लगा सकते हो। इस तरह आप कॉटन वेयर एक कॉटन टेप लो और एक देसी सुई बनाकर उसमें कॉटन टेप करेंगे। मोटर दोस्तों हमारी रेडी है, अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन के लिए जो ये स्टार्टिंग बाइंडिंग है उसके हम अलग कर लेंगे इस तरह से, जो भी वायर हमारी निकाली थी इस तरह अलग कर लो। और जो मेन की रह गई, ये जैसे एक कॉइल है इसको ऐसे लगा दो, ये एक कॉइल है इसको ऐसे, ये स्टार्टिंग का था, ये मेन और ये भी स्टार्टिंग का था। ये हमारे 4 सेट हो गए, 1, 2, 3, 4। अब हम शुरू यहां से करेंगे। पहले हम एक वायर, ये है ये जो बार हमें कनेक्शन लीड देनी है उसके लिए है, इसको हम ऐसे साइड में लगा देंगे। और जो उसके आगे का सिरा है, उसका आगे का सिरा है एक बीच में छोड़कर जो कोयल का आगे का सिरा है इसमें लगा देना। और जो ये रह गया कनेक्शन, ये एक छोड़कर ये वाला था, ये गिनती ये छोड़कर यहां पर लगा देना है। और जो इस कोयल में एक तो जहां लगा दिया, जब ये दूसरा सिरा बच गया है ये वाला, ये फिर उसी तरह एक छोड़कर दूसरे में लगा देना है। कोई नहीं पावांगे ऐसे छोड़ दें। और ये जो दो रह गई है ये कनेक्शन लीड हो गए। ये हमारे मेन के थे, अब जो स्टार्टिंग के हैं वो भी इसी तरह हमने कनेक्शन कर लिया। पहले एक एक कॉइल ऐसे लगा लो, एक एक कॉइल इकट्ठा कर लो। ये मेन का था कनेक्शन लीड, अब उसी तरह यहां से वो स्टार्टिंग की मेन हमारे हमने रखनी है वो यहां से शुरू करते हैं। एक एक बीच वाला छोड़कर, एक बीच वाला छोड़कर आगे, उसी तरह फिर जो ये दूसरा है बीच वाला छोड़कर तीसरे को लगा देना है।
और जो जे बच गया ये तो ये वाली हमारी स्टार्टिंग की कनेक्शन लीड रह जाएगी। अब हम इसका पाल्च उतारकर इसको कनेक्शन को पक्के तौर पर जोड़ लगा देंगे। ये इसके हमने मेन जो रनिंग बैंडिंग थी उसकी और जो ये स्टार्टिंग थी ब्लैक वाली, तो इसको हम अब कनेक्शन को निकाले हैं और इसमें सोल्डर कर देते हैं ताकि जो हमारा जोड़ है वो पक्का हो सके। उसके बाद जिस तरह हमने दूसरी साइड में सेपरेटर लगाए थे, सेपरेटर लगाकर इसको कॉटन टेप लगा देंगे ताकि जो क्वाइल टाइट हो जाए और उसके बाद इसमें वार्निश लगा देंगे।